हाँ जी, होटल हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी टेलीफोन पे आपका हिंदुस्तानी वेलकम है। क्या जी, आपका भी सेम टू सेम है? और जी थैंक यू वेरी मच है जी। और जी आप बोल कौन रहे हैं? ओ मनजीत, तू उसमें तू है कहाँ? क्या कहीं होटल में फंसा हुआ है? अरे पर अपना होटल होते हुए तू दूसरे होटल में कर क्या रहा है? है? छोले भटूरे खाने गया है? अरे छोले भटूरे तो इधर भी पड़े हुए हैं भाई, मैंने बनवाए हैं आज। क्या छापा पड़ गया उस होटल में? और वो छापे वाले इधर भी आ सकते हैं? अरे जब वो आ सकते हैं तो तू क्यों नहीं आ जाता इधर भी? क्या होटल को सील कर दिया, मतलब तू बाहर नहीं निकल सकता? अच्छा, ना तेरा कहने का मतलब है कि मैं अपने आइडिया से अब होटल को संभाल लूं अगर वो आए तो? ठीक है ठीक है ठीक। अरे लगता है कोई आ रहा है। हाँ ठीक है। ना बाल उड़े हुए इसके, लगता है छापे वाला आदमी है ये। आइए आइए चौधरी साहब, आइए आइए भाई, होटल हिंदुस्तान में रंजीत सिंह चौधरी आपका स्वागत करता है। मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है। मालिक? हाँ जी। लगता है 100% छापे वाला है। मुझे क्या है जी, मालिक तो कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन आप बताइए ना, मैं मालिक जैसा ही मालिक हूँ। देखो कोट पहन रखा, मालिक ही लग रहा हूँ। ओके मैं बताऊंगा, लेकिन 500 लगेंगे। 500 क्या लगेंगे? रुपए। रुपए? हाँ। 500 रुपए किस बात की चौधरी साहब? बात बताने के पूरे 50,000 की बात है, लेकिन 500 में पटा रहा हूँ। आप खड़े हैं, आप बैठे? मैं खड़ा हूँ जी। तो खड़े खड़े आपको 49,500 का फायदा हो रहा है। चलिए बोलिए बोलिए मुझे। 50,000 की बात 500 रुपए में, दिन तो अच्छी है। अच्छा जी, पर बात अगर 50,000 रुपए से कम की हुई तो? कम का सवाल ही नहीं उठता साहब, उल्टा ज्यादा की बात करो। अच्छा ठीक है, तुम बात बताओ। पहले पैसे? नहीं जी, पहले बात बताओ। पहले पैसे? नहीं जी, पहले बात बताओ। पैसे? पहले बात बताओ। पैसे बोला ना। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो जी? अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले ना टॉस कर लेते हैं। अच्छा, देखो जी। अच्छा, ये है ना, अगर ये अगर हेड आया ना। अच्छा, तो पहले आप बात बता देना। अच्छा, और अगर ये टेल आया ना पूछ, तो फिर आप पैसे बाद में ले लेना। अच्छा ओके। मुझे घुमा रहे हो क्या? नहीं नहीं चलता, जब 50,000 का फटका लगेगा ना तब अकल आई। ठहरो चौधरी साहब, आप तो मेरी मजाक की बात का बुरा मान गए। ये देखो जी, 500 रुपए एकदम तैयार पड़े हैं। ये लो जी 500 रुपए, अब आप बता दो क्या है बात। बात ये है कि मैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से आया हूँ। अच्छा जी, आजकल हम लोग बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े छापे मार रहे हैं। बड़े बड़े? कल तुम्हारे होटल का नंबर है। बात अंदर की है, किसी को बताना नहीं। किचन, कुक, सब सब साफ सफाई सब चेक होगा। अगर पकड़े गए तो लाइसेंस कैंसिल। है ना, 50,000 की बात, जो कुछ करना है आज कर लो, वरना। अच्छा चलता हूँ, बाय, कल मिलेंगे। ठीक है जी। आप मालिक हैं ना? मालिक देख लेगा आपको। ये तो वाकई में 50,000 की बात करके चला गया। ठीक है, जब मनजीत आएगा ना तो मुझसे कहूंगा कि भाई मैंने 500 रुपए में 50,000 का फायदा कर लिया। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ आज का दिन है। डिसूजे, अरे डिसूजे, इधर। क्या हुआ सर? अरे क्या हुआ कि बच्चे, तेरे को पता है कल होटल में क्या होने वाला है? अरे सर मुझे ये नहीं पता है कि आज क्या होने वाला है, कल का कैसे पता होगा? नहीं, आज का तो मैं तेरे को बता देता हूँ। आज ना मैं पूरे होटल में छापे मारूंगा। छापे? हाँ छापे भी मारूंगा, और अगर कहीं साफ सफाई ना हुई ना तो तेरे को भी मारूंगा। चल सबसे पहले मैं ना रेस्टोरेंट में छापा मारता हूँ। पैरों को कंट्रोल करो, आपको पता नहीं हमारे होटल में किसके पैर पड़ने वाले हैं? और किसके पांव पड़ने वाले हैं? पूरा सप्लाई वाले हमारे होटल पे छापा मारने वाले हैं। और हमारे होटल में छापा क्यों मारने वाले हैं? वो कहीं भी छापा मार सकते हैं, उनको कहीं भी जाने का राइट है। हाँ तो फिर कहीं भी जाएगा, हमारे होटल में क्यों आ रहे हैं? ओ भाभी जी, ये तो शुक्र मनाओ मैंने कल की बात है ना आज पता कर ली है अपने आईडिया से। अब तो आज के दिन हमें सिर्फ सोचना है, और मैंने सोच लिया, और सोचा ये है कि ये होटल है ना रणजीत के आइडिया से, और मनजीत, मनजीत तो है नहीं तो कुलजीत के दिमाग से चलेगा। ओए हाँ, ये तो बढ़िया गल है। ओए सुजय, तुझे पता है ना आज मैं होटल की कुकड़ी नहीं
मालिक हूँ मालिक। मालिक तो मैं हूँ, आज तो आप मालकिन है। हाँ ठीक है, तूने ना दिन भर मुझे बस मैडम बुलाना है। और आपको भी ना मुझे सर बुलाना है, सर। ओके सर। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार कोई मुझे सर बुला रहा है। सुजे, तुझे पता है मुझे भी जिंदगी में पहली बार कोई मैडम बुला रहा है। अरे आगे। आपके होटल का मालिक किधर है? मालिक तो जी वो सबका ऊपर वाला है। आप कौन से मालिक से मिलना चाहते हैं? क्या है ना, मैडम तो मालकिन है, मालिक मैं हूँ, छापा मार डिपार्टमेंट के हेड है। सर जी वेलकम, सर जी वेलकम इन होटल हिंदुस्तान। सर जी हमारा वेलकम ड्रिंक है जी। सर तो आपका ब्रांड है, इसे संभाल कर रख दो, हम बाद में लेंगे। क्या है कि इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर हम कुछ नहीं लेते और ड्यूटी के बाद हम कुछ नहीं छोड़ते। क्या और क्या लेंगे सर जी? हाँ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर आप सिर्फ बताइए, आज हमने खाना पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। ये होटल का मालिक ऑर्डर ले रहा है, ये मालिक है या वेटर है? वो क्या है ना सर जी, हमारे होटल का जो मालिक है वो वेटर भी है और जो वेटर है वो मालिक भी है जी। वैसे असली मालिक तो आप है। बताइए बताइए आप क्या लेंगे? बड़े आइटम है तुम्हारे होटल में, ऐसा है कि इसे भी संभाल के रख दो, हम बाद में लेंगे। क्या है कि हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर हम कुछ नहीं लेते और ड्यूटी के बाद हम कुछ नहीं छोड़ते। अभी कौन बतलाएगा कि हम क्या करने आए हैं? हमें पता है सर जी, हमें पता है आप छापा मारने आए हैं ना। हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं जी। हम भी तैयार हैं। आपके होटल के खाने की हम बड़ी तारीफ सुनी है, सुना है आपके यहाँ स्पेशल खाना बनाने के लिए स्पेशल कुक रखे हैं। हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है जी, बिल्कुल सही सुना है। हम तुम्हारे कुक से मिलना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी मिलिए, चलिए हम मिलवा देते हैं। चलिए सर जी आइए, प्लीज आइए, प्लीज कम, प्लीज कम बैठिए। आइए सर आप बैठिए यहाँ। हाँ तो सर बताइए, आप कितने शुरू करोगे? हैदराबाद से शुरू करोगे, मद्रास से शुरू करोगे या चाइना से शुरू करोगे? पंजाब से शुरू करोगे, गुजरात से शुरू करोगे या केरल से शुरू करोगे? हम तुम्हारे होटल से शुरू करेंगे। अजी हमारे होटल में तो हिंदुस्तान के सारे कुक हैं। हाँ लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हमारे होटल जैसे कुक्स नहीं हैं। हाँ तो सर बताइए आप कहाँ से शुरू करेंगे? तुम क्या बोलते हो? मद्रास से शुरू करेंगे। हैदराबाद से क्यों नहीं? लेकिन हैदराबाद है कहाँ? उसे पूछेंगे। हैदराबादी कुक को बुलाओ। हैदराबादी कुक को बुलाओ। कसम चार मीनार का, हुकुम सरकार का, हैदराबादी कुक हाजिर हो। याम याम। अखा हिंदुस्तान छोड़ के होटल हिंदुस्तान में किसका भेजा खाने को आया तू? हमको लंच टाइम से पहले किचन से काय को बुलाया तू? सर ये हमारे हैदराबादी कुक हैं। खाना बनाने में एक्सपर्ट और बातें करने में एक्सपर्ट जी। तो तुम हैदराबाद में क्या करते थे? आ करेंगे नहीं, यहाँ कबूतरा थोड़ी ना उड़ाते थे। चार मीनार के पीछे चार मीनार होटल में खाना पकाते थे। क्या खाना पकाते थे मियाँ, क्या खाना पकाते थे? कई बार खाना खाते खाते लोग अपना आधा खा जाते थे। आधा भी खा जाते थे? आधा क्या, लाता भी खा जाते थे। आगे का हाथा पीछे का लाता, पीछे का लाता आगे का हाथा। मेरे तो दो ही हाथ हैं। अरे ये तो पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। एक दफे मियाँ हमारा खाना खाते खाते लोग बेहोश हो गए, हमको पुलिस पकड़ के ले गई। तीन दिनों बाद जब लोग को होश आया, करने लगे खाने की तारीफ, तब पुलिस ने हमको छोड़ा। मियाँ क्या खाएंगे, क्या नोज फरमाएंगे, बेहोशी वाला खाना पेश करूँ क्या? देखो इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। कुछ नहीं लेते सर। ड्यूटी के बाद कुछ नहीं छोड़ते। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं हूँ गोमिया। हिला हिला कू, खिला खिला कू, मारूंगा नहीं, सिर्फ बेहोशा करूंगा। अच्छा ये बतलाओ तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? सब कुछ बनाते मियाँ, उधर भी बनाते इधर भी बनाते। शाहरुख कबाब, सलमान टिक्का, अमीर खिचड़ा, काजल पुलाव, मियाँ बेहोशी का खाना भी बनाते, होश में लाने वाला खाना भी बनाते, जागे को सुलाने वाला खाना बनाते, सोते को जगाने वाला खाना बनाते, मियाँ हंसते को रुलाने वाला खाना बनाते, रोते को हंसने वाला खाना बनाते, और तुम जैसे इंटरव्यू वाले को दिखाने वाला खाना बनाते। देखेंगे क्या, दिखाऊं क्या? सर ये तो दिमाग फ्राई है। ये भेजा फ्राई को दिमाग फ्राई बोलता है? लात खाएंगे क्या? लात नहीं बनाया मैं। लाता हैदराबादी में पाया को लाता बोलते। देखो
इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। मैं मालूम हूँ मियां, ड्यूटी से पहले तुम कुछ लेते नहीं और ड्यूटी के बाद तुम कुछ छोड़ते नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट तो तब आएगा ना मियां, जब फर्स्ट जाएगा। सर मद्रास कुक को बुलाओ, आजकल साउथ इंडियन खाना का बहुत ग्लैमर है। हाँ? साउथ इंडियन कुक मांगता तो हम साउथ इंडियन कुक भेजता। आइयो तब तक तुम इन थोड़ा साउथ इंडियन म्यूजिक सुनाओ। तो चाप मार बड़ा हो चियार, अपने ही जाल में फसत जात हम हसत जात। अरे ये तुम इस होटल में कब से काम कर रहे हो? आइयो जी ये होटल 6 मंथ ओल्ड, हम 1 ईयर ओल्ड। आइयो जी ये होटल हमारे सामने छोट बच्चा, हम इसको गोद में खिलाया, झूले में झुलाया, गाना सुनाया। दो चाप मार बड़ा होशियार, अपने ही जाल में फसत जात हम हसत जात। तुम क्या क्या बनाना जानते हो? आइयो जी कुछ नहीं। नहीं मेरा मतलब हमको हमको सब कुछ आता, हम बहुत फेमस कुक। तुमको मालूम नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गया तो पागल हो गया। चांद देख के? चांद देख के नहीं, हमारा होटल का खान खा के बहुत कुछ। इडली खाया, डोसा खाया, फिल्टर कॉफी पिया और बाद में हमारे हाथ पे ऑटोग्राफ भी दिया। अयो वो दिन राज का दिन, अब ये हाथ आज तक धोया नहीं। अरे छे 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 का बात नहीं, 1947 में मालूम माउंट बेटन जब इंडिया छोड़ के गया तो पहले किधर आया? किधर? हमारे बाप होटल पे। उधर आके बोला बाप इडली चाहिए, डोसा चाहिए, फिल्टर कॉफी चाहिए, सब खा के गया। साथ में 4 इडली 4 डोसा 4 सांबर पैक करके लेके गया। बाद में बाप के हाथ पे ऑटोग्राफ दिया। ये तो आता है अय्या, मेरे बाप का हाथ मेरा हाथ। अयो अगर हमारा बाप होता तो पता क्या करता? क्या करता? अयो तुमको इतना क्वेश्चन पूछने के चक्कर में इस हाथ से चाट मारा। चाट सर इसने तुमको मारा? अयो अयो बाप का हाथ ने चाट मारा, बेटा का हाथ सॉरी बोलता। गाना सुना। दो चाप मार बड़ा होशियार। सर जी तीसरा कुक आने से पहले आप कुछ लेना पसंद करेंगे? भाई तुम भूल गई हो मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। हाँ। और ड्यूटी पर हम कुछ नहीं लेते और ड्यूटी के बाद कुछ नहीं छोड़ते। ऊंट कहे वो पटनी रीत वाकी, कुतरानी पूछ वाकी, हाथी नी सूंड वाकी, सामड़ी सी हार बोलो, सामड़ी सी हार बोलो। इतले लोमड़ी बोली ये सबका टेढ़ा टेढ़ा बोलता है, तेरा तो सब कुछ टेढ़ा, जैसे तेरा नाक टेढ़ा, तेरा कान टेढ़ा, तेरी मूछ टेढ़ी, तेरी पूछ टेढ़ी। ए तुम लोग टेढ़े लोग हो कि एड़े लोग हो? खामोश रहो, इधर आओ। आउच ना, हुकम बोमड़ी, हुकम बोमड़ी पाड़े छ, जनावर जेवी बात करे छे। सूछे क्या बोल रहे हैं? मालूम नहीं क्या बोल रहा है, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तुम्हारा नाम क्या है? ए मेरा नाम बहुत फेमस, नानकड़ा बच्चा से लेके बुड्ढा तक मेरा नाम जानता, तुम नहीं जानता? मैं बता देता हूँ मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है रमणीक लाल केटरिंग वाला। मेरा केटरिंग का ना बहुत फेमस बिजनेस था, लेकिन जब से तुम जैसे गधेड़े लोग मेरे धंधे में आए ना, मेरा धंधा मंदा हो गया, इसलिए अब इस होटल में काठियावाड़ी खाना बनाता हूँ। बोलो क्या खाओगे? ढोकला लाऊं, लाल गाठिया, पीला गाठिया? नहीं, ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए ओंधिया लेकर आता हूँ, जैसे ही खाओगे उधर से ओंधे हो जाओगे। अरे हम यहाँ ओंधे होने के लिए नहीं आए। तो फिर फाफड़ा जलेबी लाऊं? एक काम करो तुम जाओ। ठीक है जाऊँ छू हूँ जाऊँ छू।
ऊंट कहे ऊंट कहे ऊंट कहे वो पटनी वीकवा की, कुतरानी पूछवा की, हाथीनी कूंडवा की, सामरी सी हाड बोलियो सामरी सी। अच्छा सुनो, तुम लोग भी जाओ, अब हमारी ड्यूटी खत्म, जो चीज चाहो मुझे खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। जी जी चलिए सर। आइए आइए मैडम। मजा आ गया आज तो। पापी इसे कहते हैं आइडिया। अरे इसे कहते हैं कुलजीत का दिमाग। रंजीत को पागल बनाने वाले को है ना, रंजीत पहले से ही पागल बना देता है। कुलजीत को पागल करने वाले को कुलजीत तो हमेशा वैसे पागल बना देती है। अच्छा भाई सुनते हैं वो दोनों कर क्या रहे हैं। क्या है ना कि ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया, इसलिए गेटअप चेंज कर रहे हैं। क्या है ड्यूटी के वक्त पे ये लोग कुछ लेते नहीं और बाद में कुछ छोड़ते नहीं है। अरे भाई छोड़ेंगे तो हम भी नहीं इनको। बिस्सू से तू इनकी इतनी खातिरदारी कर, इतनी खातिरदारी कर, इतनी खातिरदारी कर कि ताड़ों को याद ही ना रहे कि वो करने के लिए क्या आए थे। अरे उन्हें ना तो कुछ याद रहने और ना ही चापा लगने। मैं समझ गया, मैं जाके दोनों का फ्यूज उड़ा देता हूँ। भाभी ये फ्यूज उड़ाता है और हम दोनों है ना इसके पीछे जाता है। एलिगल बढ़िया। सर इस होटल का खाना एवन। इस होटल के कुक एवन। इस होटल के वेटर एवन। अरे इस होटल के सारा स्टाफ एवन। ओ जी फूड डिपार्टमेंट के अफसर एवन। तो चौधरी साहब ये हमारी तरफ से एक स्पेशल ड्रिंक आपके लिए। अरे सर ये लोग तो छे छे चढ़ा चुके हैं। ये सातवां उतारने के लिए है, नींबू पानी नीट। अच्छा तो तुम एक काम करो। अजी सुबह से तो हम इतने सारे काम कर चुके हैं, अब कौन सा काम बाकी है। नहीं ये जो है ना वो आखिरी और फाइनल काम है। हाँ, तुम अपने तीनों कुकों को बुलाओ। तीनों को एक साथ। हमने उनको पास कर दिया। जी, हमने तो सोचा था कि आपने फेल कर दिया है। और हमने ना तीनों को पुट्टी आई मीन छुट्टी कर दी उनकी ना। छुट्टी कर दी। सर अब अपना क्या होगा। मतलब मतलब हम लोग फूड डिपार्टमेंट के नहीं है, इनका फास्ट फूड का होटल है। हम लोग तुम्हारे कुक को तोड़ने आए थे। हम लोग तुम्हारे कुक को अपने होटल से जोड़ने आए थे। ओए डिसुजे समझा तू। हाँ सर मैं समझ गया, ये हमारे कुक को तोड़ना चाहते थे। लेकिन ये अब साबुत नहीं जाने चाहिए यहाँ से वापस। तो फिर एक दो तीन।